नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू एंड टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम काइमोनिया केमर टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। काइमोनिया केमर टैबलेट का मुख्य उपयोग मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वैनबेरी लिमिटेड कंपनी की 10 टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 180 रुपये में डॉक्टर के पर्ची पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। काइमोनिया केमर टैबलेट में एसिक्लोफिनेक आईपी 100 mg, थायोकाल्चिकोसाइड आईपी 4 mg और पैरासिटामोल आईपी 325 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एसिक्लोफिनेक यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। यह उन केमिकल मैसेंजर्स को रोकने का काम करता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। और थायोकाल्चिकोसाइड यह एक मसल रिलैक्टेंट है। यह मांसपेशियों की अकड़न और स्पाजम से राहत पाने और मांसपेशियों के मूवमेंट में सुधार के लिए मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के केंद्रों पर काम करता है। और पैरासिटामोल यह एक एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक है और एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार कम करने वाली दवा है। यह मस्तिष्क में कुछ केमिकल मैसेंजर्स की रिहाई को रोकता है जो दर्द और बुखार का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस और साथ ही जोड़ों में दर्द होने की समस्या और गठिया संबंधी दर्द और साथ ही कमर दर्द की समस्या और साथ ही स्लिप डिस्क की समस्या और मोच आने की समस्या और बुखार की समस्या और साथ ही नस पर नस चढ़ने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको मिचली आना, उल्टी, सीने में जलन, पेट दर्द, भूख में कमी और डायरिया यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंटरेक्शन ना हो। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिलाओं को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। यह टैबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें और साथ ही यह टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ ली। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस टैबलेट का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। एडल्ट व्यक्ति एक टैबलेट दिन में एक या फिर दो बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। यदि आपको अपचन की समस्या है तो इस टैबलेट के साथ एक एंटी एसिड दवा भी खाना खाने के पहले ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू एंड टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।